हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज़ एलसीएम ऑफ 4, 6 एंड 10। सो गाइस, हमें इसे सॉल्व करने के लिए पहले एलसीएम का मतलब जान लेना होगा। उसे जानने के लिए पहले हम लिखेंगे एलसीएम। सो एलसीएम इज इक्वल टू, सो सेम एलसीएम का मतलब है एलसीएम इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सो इसे सॉल्व करने के लिए पहले हमें 4, 6 और 10 को एक लाइन में लिख लेना होगा। उसे लिखने के बाद हमें एक वर्टिकल लाइन लगानी होगी और एक नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन उसके नीचे से जाती हुई एक लगानी होगी। उसके बाद हम इसे 2-3 बार लगा भी सकते हैं जिससे कि हम कैलकुलेशन कर सकें। सो इसे एलसीएम सॉल्व करने के लिए पहले हमें इन नंबर को छोटा बनाना होगा। आपको पता है छोटा बनाने के लिए पहले मतलब इस 4 को हाफ क्या होता है, सो 4 का हाफ होता है 2। वैसे ही हमें इसे ऐसे नंबर से डिवाइडेशन करना है जिससे इसका नंबर की कटे और वो कम होते जाए। सो इसे सॉल्व करने के लिए पहले हम नंबर यूज़ करेंगे। सो ये नेचुरल नंबर से यूज़ होता है। सो ये नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, ना कि 0। सो 0 नहीं आता, 1 से स्टार्ट होता है। सो 1, सो 1 से आपको पता है 1 मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर इज इट सेल्फ। लाइक एग्जाम्पल, आपको यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 3। सो इससे कि जैसे कि आपने अगर 1 को मल्टीप्लाई किया किसी भी नंबर से 2 या 3, उसका आंसर आता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ही। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 ही आता है। इस वजह से हम 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सो 1 के पास कौन सा नंबर आता है, 2। सो आपको यह पहले देखना होगा कि ये 2 से इसमें से कौन सा नंबर की कट, मतलब वो किसी टेबल में आता है कि नहीं 2 के टेबल में। सो आपको 2 का टेबल इसमें पहले पता होना चाहिए। सो 2 के टेबल में 4 आता है, हाँ आता है, 6 आता है, हाँ आता है, और 10 आता है, हाँ आता है। सो हमें क्या करना है, इस 2 को आता है ना, सो इस तरह से इस 2 को इधर लिख लेना है। ओके, सो इस 2 को इधर लिख लिया। सो अभी आपको क्या करना है, इस 2 को 2 से डिवाइड करना है। सो मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ 2 डिवाइडेड बाय 4। सो 2 1 2 2 2 4, सो 2 2 4। सो यहाँ पे नीचे डिवाइडेशन की वैल्यू आई 0। सो आपको पता है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। सो 2 2 4, इस वजह से यहाँ पे नीचे 0 आ चुका है। सो इस ऊपर की वैल्यू को हमें यहाँ नीचे लिखना है इस तरह से। अभी 2 डिवाइडेड बाई 3, सो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। सो 2 डिवाइडेड बाई 6, सो 2 डिवाइडेड बाई 6, 2 3 जा 6। सो यहाँ पे नीचे प्रोडक्ट क्या आया है, 0 आया है। इसकी वजह से हमें क्या करना है, इस ऊपर की वैल्यू को फिर से हमें इस 6 के नीचे देखना होगा। और इसे मतलब हमारा आंसर बराबर आया, इसलिए हम कैसे कर सकते हैं, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करना है हमें। सो 2 2 जा 4, वैसे ही 3 मल्टीप्लाई बाई 2 या 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6। उसी तरह सो 2 मल्टीप्लाई किस नंबर से करेंगे कि 10 आएगा, सो 5 आएगा यहाँ पर। मैं आपको समझाने के लिए 2 डिवाइडेड बाई 10 करता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 डिवाइडेड बाई 10, सो 2 5 जा 10। सो प्रोडक्ट इज 0, सो ऊपर की वैल्यू आई 5। सो हमने 10 के नीचे लिखा 5। सो अभी आपको क्या करना है, फिर से आपको यहाँ पे चेक करना है कि 2 के टेबल में 2 आता है क्या, हाँ आता है। सो 2 1 जा 2, पर 3 आता है, नहीं आता, और 5 नहीं आता। मगर एक भी नंबर आया तो आप एक नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2। सो 2 1 जा 2, सो 2 डिवाइडेड बाई 2 हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं आपको समझाने के लिए। 2 1 जा 2, प्रोडक्ट नीचे फिर से 0 आ चुका है, और ये ऊपर की वैल्यू जो 1 है
हमें क्या करनी है, उस वैल्यू को यहाँ पे इसके नीचे लिखने हैं। सो 2 1 या 2, सो 2 के टेबल में 3 नहीं आता, इस वजह से यहाँ पे हमें 3 को डायरेक्ट नीचे लिख लिया, और 5 को फिर से 5 भी नहीं आता 2 के टेबल में, इसलिए 5 को लिख लिया। सो आपको क्या करना है, अभी 2 के बाद कौन सा नंबर आता है, सो 3, सो 3 के टेबल में 3 आता है, हाँ 3 1 3 आता है, और 1 को डायरेक्ट नीचे लिख लिया। हमें 1 को सॉल्व करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 की वैल्यू इटसेल्फ होती है, सो 1 को सॉल्व करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। सो आप देख सकते हो, सो 3 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं हम पहले, सो 3 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 3, और नीचे प्रोडक्ट 0, सो ऊपर की वैल्यू को हमने 3 के नीचे लिख लिया है अभी, और 3 के टेबल में 5 नहीं आता है, इसलिए 5 को डायरेक्ट हमने नीचे लिख लिया है। सो अभी 3 के बाद नंबर आता है 4, सो 4 के टेबल में 5 नहीं आता, इस वजह से हम 4 के बाद कौन सा नंबर लेंगे, 5, सो 5 के टेबल में 5 आता है, हाँ आता है, सो 5 1 5, सो 5 डिवाइडेड बाय 5 करते हैं हम, सो 5 डिवाइडेड बाय 5, सो 5 0, सो 1 की वैल्यू 5 के नीचे लिखी। सो आपको क्या करना है, इन सब की मल्टीप्लिकेशन करनी है, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, सो 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12 12 5 ज़ा 60, सो LCM ऑफ 4 6 एंड 10 इज 60। आशा है आपको समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। गुड बाय, लव यू।